पहला प्रश्न कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ हुआ है, ऑप्शन नंबर का है जर्मनी, खा है इटली, गा है फ्रांस एंड घा है इंग्लैंड। फ्रांस से हुआ था। जो हमारा क्वेश्चन नंबर टू है कि जर्मनी का एकीकरण, जो जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर का है ऑटो वॉन बिस्मार्क को, खा है हिटलर को, गा है आपका विलियम प्रथम एंड घा है मैसिनी, ठीक है। किसे दिया जाता है? ऑटो वॉन बिस्मार्क को, ठीक है। ऑटो वॉन, यहां का क्वेश्चन नंबर थ्री है कि करो या मरो का नारा किसका था। ऑप्शन नंबर का हमारे पास है सुभाष चंद्र बोस, खा है चंद्रशेखर आजाद, गा है भगत सिंह एंड घा हमारे पास ऑप्शन है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी का याद होगा। क्वेश्चन नंबर फोर में क्या पूछ रहा है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, रीजन। तो का ऑप्शन हमारा राइट एक्ट, खा है हमारे पास प्रथम विश्व युद्ध, गा है आपका खिलाफत आंदोलन एंड घा है द्वितीय विश्व युद्ध, आप लोगों का खिलाफत आंदोलन। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का आपका मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर का है वाशिंगटन, ठीक है, वाशिंगटन में है, या फिर आपके पास खा ऑप्शन है जिनेवा, जिनेवा एंड घा है न्यूयॉर्क एंड घा है ऑस्ट्रिया। इसका राइट आंसर है न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर सिक्स पर आप लोग फोकस करो, लिखा हुआ अनुबंध व्यवस्था, जो अनुबंध व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है। पता है का ऑप्शन है आपका आपसी समझौता, खा है गुलाम प्रथा, गा है सशस्त्र प्रथा एंड घा है नई दास प्रथा। इसका आप लोगों का जो सही आंसर होगा वो है नई दास प्रथा। आपका क्वेश्चन नंबर सेवन है निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर का है चट्टाने, खा है पशु, गा है आपका पौधे एंड गा है मछली, मछलियां। तो चट्टाने हैं, क्या है, निर्जीव है, तो ये आपका हो जाएगा अजैवीय संसाधन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एट पर आप लोग फोकस करो कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन नंबर का है गहन खेती, खा है वन उन्मूलन, गा है अधिक सिंचाई एंड घा है अति पशुचारण, है अधिक सिंचाई, ठीक है, अधिक। क्वेश्चन नंबर नाइन में क्या पूछ रहा है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। काली मृदा है, खा है जलोढ़ मृदा, गा है लाल मृदा एंड घा है लैटेराइट मृदा। तो काली मृदा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टेन समझना, चिपको आंदोलन संबंधित है। एक ऑप्शन है का मृदा संरक्षण से, खा है वन संरक्षण से, गा है जल संरक्षण से एंड घा है वायु संरक्षण से। आपका वन संरक्षण से संबंधित है। देखना क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है कि टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। आपके पास ऑप्शन नंबर का है आपका पंजाब, ठीक है, पंजाब है, खा है आपके पास, खा है गुजरात, गा है उत्तराखंड एंड घा है मध्य प्रदेश। तो का राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। तो यहां देखो क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सी रवि फसल है, मतलब इनमें से आपको बताना है कौन सी रवि फसल है, ठीक है, इन चारों ऑप्शंस में से। का ऑप्शन है चावल, खा है आपका चना या फिर काला चना, गा है आपका मोटे अनाज या घा है कपास। तो लोगों का यहां जो है ना, यहां का चना या फिर काला चना क्या है, रवि फसल है। अब फिर यही क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रवि फसल, का धान, खा बाजरा, गा गेहूं, घा मक्का। तो अब सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है। का ऑप्शन है अधिकतम सहायता मूल्य, खा है न्यूनतम सहायता मूल्य, गा है मध्यम सहायता मूल्य और घा है प्रभावी सहायता मूल्य, न्यूनतम सहायता मूल्य। क्वेश्चन नंबर 15 सब, जो कि झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। का आपके पास है बॉक्साइट, खा है लौह अयस्क, गा है अर्वरक, घा है तांबा। इसका आपका ऑप्शन सही है अर्वरक। क्वेश्चन नंबर 16 पर देखो, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहां पर स्थित है। ऑप्शन नंबर का है उत्तराखंड, खा है तमिलनाडु, गा है हिमाचल प्रदेश एंड घा है आपके पास कौन सा ऑप्शन है, राजस्थान। लोगों का तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 देखो, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनतर हानियों तथा देरी से घटता है। का आपका है रेल परिवहन, खा है आपका सड़क परिवहन, गा है पाइप परिवहन, जा है आपका घा है जल परिवहन। तो ध्यान रखना पाइप परिवहन जो है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आपका निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है। ऑप्शन नंबर का है पाइप लाइन एंड खा है रेल परिवहन, गा है सड़क परिवहन, घा है वायु परिवहन का। तो सड़क परिवहन राइट है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आप लोग फोकस करो, इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है, जो अंतः स्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन तथा पूर्ण सुरक्षित है। का ऑप्शन है चेन्नई, खा है आपका पारादीप एंड गा है आपका तूतीकोरिन एंड घा है आपका विशाखापट्टनम। सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 समझो कि बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है। बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है। आपका ऑप्शन नंबर का है सामूहिक सरकार, खा है सामुदायिक सरकार एंड गा है राजतंत्र एंड घा है एक पक्षीय सरकार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सामुदायिक सरकार। क्यों? क्वेश्चन नंबर 21 पर आप लोग फोकस करो कि संविधान में उल्लिखित तीन सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। सा है शिक्षा, खा है पुलिस, गा है कृषि एंड घा है आपका रक्षा। तो इसमें से शिक्षा जो है ना, शिक्षा समवर्ती सूची का एक विषय है। सभी को क्वेश्चन नंबर 22 देखो, लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। ऑप्शन नंबर का है मणिपुर, खा है हिमाचल प्रदेश, गा है आपका अरुणाचल प्रदेश, घा है दिल्ली। दिल्ली क्या है, एक शहर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पर फोकस करो, लिखा हुआ भारत में यहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। का है लोकसभा, खा है विधानसभा, गा है मंत्रिमंडल, घा है आपका पंचायती राज संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाओं में। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित देशों में से किस देश का मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार भारत से अधिक ऊंचा स्थान है। का ऑप्शन है श्रीलंका, खा है आपका पाकिस्तान, गा है बांग्लादेश एंड घा है आपका नेपाल। श्रीलंका आपका राइट है। अगला देखो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर का है कुल आय, खा है राष्ट्रीय आय, गा है प्रतिव्यक्ति आय एंड घा है ये सभी। तो यहां प्रतिव्यक्ति आय आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन देखो, एक वस्तु का अधिकांशता प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है। का आपके पास है प्राथमिक, खा है द्वितीयक,
गा है तृतीय एंड घा है सूचना प्रौद्योगिकी प्राथमिक, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27 लिखा हुआ, निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है, उत्पादन का साधन क्या है इनमें से, का है पूंजी, खा है लाभ, गा है सेवाएं, घा है कर। अब आप अगर आपके पास पूंजी है तो आप उत्पादन कर सकते हो। आप कुछ 28 नंबर कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, का है 1982, खा है 1984, गा है 1985, घा है 1986। राइट आंसर आप लोगों का है 1986। ठीक है, तो ये है हमारा आज का सामाजिक विज्ञान के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों के बहुविकल्पीय प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, तो इन सारे क्वेश्चंस को आप बिल्कुल याद करके ही जाना।